तो दोस्तों विराट कोहली जो कि ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ एशिया कप में अपना फॉर्म वापस पाते नजर आ रहे हैं, तो उनके साथ हो गई है एक दुर्घटना। वो दुर्घटना क्या हुई है, कैसे हुई है और उसका क्या रिजल्ट आया है उसके बारे में आपको इस वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा। तो प्लीज वीडियो के आखिर तक बने रहे और साथ ही साथ नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको कर ले टच और हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो विराट कोहली फील्डिंग कर रहे थे इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20I मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पे, तभी एक बॉल उनकी तरफ गई और बॉल जब वो फील्ड करने लगे तो उनका पांव पलट गया और साथ ही साथ उनका सर जाके टकरा गया। उसके बाद से वो थोड़ी देर अनकॉन्शियस रहे और साथ ही साथ अपना सर नीचे झुकाए जमीन पे लेटे रहे। फिर बाकी खिलाड़ी को उनको लेके हो गई टेंशन, पर उसके बाद वो बाकी ठीक ठाक नजर आए और साथ ही साथ थोड़ी देर बाद वो वापिस ग्राउंड पे आ गए, जो कि कुछ देर का ब्रेक लिया उन्होंने और उसके बाद ग्राउंड पे वो दोबारा फील्डिंग करते भी नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि विराट कोहली पूरी तरीके से फिट होंगे, क्योंकि अगर अभी वो बीमार होते हैं या चोटिल होते हैं तो टीम इंडिया के लिए हो सकता है एक भारी नुकसान, और टीम इंडिया के कोई भी प्लेयर नहीं चाहेंगे कि उनके मेन प्लेयर को इतनी बड़ी चोट लग जाए या फिर वो इतने बड़े टूर्नामेंट से इतने मेन मौके पे बाहर हो जाए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि विराट कोहली कितने अहम हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, और साथ ही साथ अगर आप हैं विराट कोहली के टीम इंडिया के सच्चे फैन तो नीचे लाल कलर का बटन है उसको कर लें टच और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, कीप प्लेइंग, प्ले हार्ड।